गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज के जूम सेशन में सभी को आज पता है आज वेडनेस डे है और वेडनेस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं वेलनेस तो आज की कोरोना के सिचुएशन में लोगों को हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बिना हेल्थ के हम पैसा भी नहीं इनकम कर सकते तो आज हम लोग बात करेंगे वुमेन हेल्थ के ऊपर तो हम लोग जो वुमेन होते हैं तो उन लोगों का कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाता है क्योंकि वो लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं टाइमली मेंटेन नहीं कर पाते है तो आज हम लोग वुमेन हेल्थ के ऊपर बात करेंगे सेवन कॉमन न्यूट्रिशनल ऑफ वुमेन तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारा एस को मिसेस कंकना शर्कर जी को प्लीज वेलकम मैम ओके थैंक यू सो मच पिया गुड मोदी कैड मॉर्निंग फ्रेंड्स मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक आई होप आई एम ऑडेबल पिया मेरी आवाज आ रही है नोके सो फ्रेंड्स आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है और मैं पर्टिकुलरली बार बार करके हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये डाल रही थी कि आज का ये जो सेशन है ये सेशन में जितने सारे फिमेल फीमेल्स है फीमेल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अ फीमेल आई कैन वेरी मच अंडरस्टैंड मैं बहुत ज्यादा सोच सकती हूँ समझ सकती हूँ और फील भी कर सकती हूँ कि बींग अ व्यूमेन हम लोगों के ऊपर हम लोगों के सर के ऊपर कितनी ज्यादा प्रेशर है और ये प्रेशर को लेके अगर बोला जाए तो पर्सनल लाइफ एंड एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ दोनों लाइफ को मेंटेन करना आज के डेट में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया राइट सो फ्रेंड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के ये चैलेंज को हम लोग कैसे ओवरकम करें एंड एट द सेम टाइम अपना ये जो प्रोफेशनल लाइफ है और अपना ये जो पर्सनल लाइफ है इसको हम कैसे अच्छी तरीका से बैलेंस करें तो दैट इज द रीजन आज मैंने ये टॉपिक रखा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू दोस्तों ये मीटिंग में चार पांच दिन पहले

हम इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ओवरकम सकते हैं राइट सो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बोलना चाहती हूँ कि आज के डेट में बिंगा लेडी मेरे भी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं मेरे भी लाइफ uh, में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं पर ये हर एक चीज का मेरे ख्याल से दो हल एक ही सिंपल चीज है एक है हेल्दी खाना और एक है बैलेंस खाना बैलेंस डाइट एंड हेल्दी डाइट नॉर्मली क्या होता है ना लेडीज लोगों का ये जो बैलेंस डाइट हर एक इंसान को हम लोग लेक्चर तो देते हैं कि बैलेंस डाइट लो हेल्दी डाइट लो पर असल में देखा जाए बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट सही मात्रा में होता नहीं है इसीलिए होता है क्योंकि लेडीज लोगों का जो डाइट होता है ना फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा इम्प्रॉपर डाइट होता है एंड बीइंग अ लेडी अभी पता नहीं कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं 220 पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें जितने सारे लेडीज हैं मैं हर एक लेडीज को ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि सुबह से शाम तक आप लोग जो खाना खाते हो वो क्या हेल्दी होता है अगर होता भी है से फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि आपका खाना हेल्दी है एक चीज आप मुझे बोलो कि आपका डाइटिंग क्या प्रॉपर होता है आप क्या टाइम टाइम से खाना खाते हो नो माय डियर फ्रेंड्स मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि हम लोगों के लेडीज के जिंदगी में जितने सारे प्रेशर है अगर मैं खुद के बारे में बातें करूं बहुत ज्यादा प्रेशर है सुबह बच्चे को नींद से उठाओ फिर उसको नहाओ ये करो वो करो फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाता है फिर अभी एग्जाम्स भी होने वाले हैं मंडे से उसका भी प्रेशर ऊपर से बीच बीच में ये जो लॉकडाउन हो रहा है ना उसके कारण घर पे मेज नहीं आ रहे है। तो फिर आप सोचो घर की इतनी सारी काम फिर खाना बनाओ फिर मोदी केयर कंसल्टेंट का आप लोगों का इतनी सारे फोन कॉल्स राइट फिर पूरा दिन में तीन जूम मीटिंग फिर उसके ऊपर मैनेजमेंट का भी अलग से मीटिंग होता है तो कभी कभी ना ये प्रॉपर जो लाइफ होता है वो लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज्यादा चैलेंज बन जाता है सो दैट इज द रीजन कभी कभी मैं आप लोगों को जो चीज बोलती हूँ ना कि प्रॉपर खाना लीजिए खाना लीजिए हिसाब से देखा जाए मेरा भी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर भी ना ऊपर नीच हो जाता है तो दैट तो मीन्स मेरा भी जो डाइट है ना वो डाइट कभी कभी इम होता है और ये डाइट इसीलिए इम होता है ड्यू टू तो हेक्टिक शेड्यूल आप तो मानोगे बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है आप लोगों को देखो केर की बिजनेस कर राइट ना फिर उसके साथ, साथ इतनी सारी फोन फिर आज के में मेरे, मैं तो 65 व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कनेक्टेड हूँ मैं हमेशा यही देखती हूँ कि अभी जितने सारी लीडरशिप्स है वो लोग घर के बाहर निकलना शुरू कर दिया दैट दे हैव स्टार्टेड डूइंग होम मीटिंग तो आप लोग सोचो हिसाब से देखा जाए आप लोगों का भी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल है उसके ऊपर नॉर्मली लेडीज लोगों का बीइंग अ लेडी आई कैन आल्सो शेयर द सेम थिंग प्रॉब्लम्स क्या होता है ना हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सी खाना सही है हम लोगों के लिए कौन सी खाना लेना चाहिए कौन सी खाना लेना नहीं चाहिए कौन सी खाना मेरी हेल्थ uh, के हिसाब से परफेक्ट है और कभी कभी हम लोगों के क्या होता है ना पागलपन चढ़ जाता है कि डाइटिंग करना है है पतला होना दोस्तों कि कौन सा डाइट लेना चाहिए प्रॉपर डाइट क्या होना चाहिए प्रॉपर मीन एडिक्वेट न्यूट्रेंट शरीर के अंदर क्या जा रहे हैं वो सब चीज में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं नहीं बस खाना नहीं खाना ऑयली फूड नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे ये सब चीज के चक्कर में हम लोग रह जाते हैं और ऊपर से क्या होता है डाइटिंग के चक्कर में जो असली फूड हम लोगों के शरीर के अंदर जाना चाहिए वो कभी कभी मिसिंग हो जाता है राइट तो हिसाब से देखा जाए लेडीज लोगों का ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दोस्तों वो है पीने का कोई नहीं है. से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है फिर उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है है लैक ऑफ नॉलेज ये तो आप लोग मानोगे ना जितनी नॉलेज की जरूरत है उतनी नॉलेज हमारे पास नहीं है बंगाली में अवत है अल्प विद्या भयंकरी दैट मींस अगर मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है ना तो दैट इज वेरी डेंजरस राइट तो ये प्रॉपर नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है तो दैट इज द रीजन फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजों के लेके अभी डिस्कशन करूंगी बेसिकली सेवन पॉइंट्स को लेके डिस्कशन करूंगी जो ज्यादा से ज्यादा एक फीमेल के शरीर में जिसकी कमी बहुत ज्यादा हो जाता है

ऊपर से क्या होता है ना हर एक लेडी को एवरी मंथ ये जो प्रॉब्लम दिखाई देता है मेनली जो मेस्ट्रुएशन का जो प्रॉब्लम होता है जो पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है सो so, ये जो प्रॉब्लम्स होता है ना ये हर एक लेडीज के लिए अलग-अलग अलग-अलग मात्रा है लेते हैं अगर कोई एजेड लेडीज को होता है उनके उनके लिए आप लोग देखोगे कि शरीर से ना बहुत ज्यादा खून निकल जा रहा है एक्स्ट्रा ब्लड निकल रहा है इसीलिए निकल रहा है क्योंकि कोई भी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम वो ज्यादा से ज्यादा फेस कर रहे और मैंने बहुत सारे ऐसे बहुत सारे टीनेजर्स को भी देखा है मिडिल लेडीज को भी देखा है तो नॉर्मली ये पीरियड्स के कारण हर एक मंथ में हम लोगों को हम लोग जो फीमेल्स है फीमेल्स के शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल जाते हैं तो ज्यादा खून जब निकलते हैं ना तो उसके कारण शरीर में खून की कमियां बहुत ज्यादा हो जाते हैं एंड इट इज वेरी बैड और जब खून की कमियां होता है ना तब उसी टाइम शरीर में ज्यादा से ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी होता है और जब आयरन डेफिशिएंसी होता है आप लोग बहुत सारे मैं अभी एग्जांपल्स बोलूंगी अगर आप लोग देखोगे नोटिस करोगे एनीमिया का पेशेंट हो जाते हैं लोग दैट मीन्स खून की कमियां होता है आप लोग देखोगे आंखों के नीचे खून कम है मीन्स शरीर कैसे व्हाइटिश व्हाइटिश हो गया बहुत सारे इंसान एनीमिया का पेशेंट हो जाता है फिर उसके बाद आप लोग नोटिस करोगे कोई भी काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए और जितनी एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी कहीं ना कहीं पे मिसिंग है बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा ज्यादा टायर्डनेस हमेशा लगता है कि मैं लेटी रहू उठने का मन नहीं कर रहा है कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मीन्स कोई भी चीज करने में जितना एक एक्साइटमेंट होना चाहिए ना दैट एक्साइटमेंट इज मिसिंग उसके साथ साथ एक चीज अगर आपकी शरीर में खून की कमी होगा ना तो ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तो आप लोग सोच सकते हो ना अगर हम लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा फ्रेंड्स इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक हो जाएगा दैट मींस कोई भी वायरस कोई भी जर्म्स कोई भी बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली हम लोगों के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है एंड दैट इज वेरी इंजुरियस टू हेल्थ देखो अभी इस के चक्कर में हर कोई डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं है, इस इम्यूनिटी सिस्टम को आप ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप कीजिए अगर आपकी इम्यूनिटी सही रहेगा कोरोना वायरस का जर्म्स कोई भी कारण आपके शरीर के अंदर अगर प्रवेश भी कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली तीन से चार दिन के अंदर वो बाउंस बैक करेगा तो डेट इज द रीजन ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसको बनाए रखना इसको मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सो so दोस्तों अगर खून की कमी है ना तो आप लोग सोच लो शरीर में अपना ये जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा इसके साथ साथ है हेडेक 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 का मतलब बहुत ज्यादा सर दर्द होता है जब भी खून की कमियां होगा ना आप लोग देखोगे सर दर्द हो रहा है चिर आ रहा है कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहे आपने ये जो है ना, आपका तो दिमाग सही नहीं है ना और उसके साथ साथ क्या होता है इम्पेयर ब्रेन फंक्शन यस ब्रेन फंक्शन क्या होता है ना इंसान को भूलने का बीमारी होता है भूल जाता है चाय पी रहे पीते पीते कोई कॉलिंग मिल दबाया दरवाजा खुलने गया भूल गया चाय का कप कहाँ पे रखा कोई अच्छा से बात किया उसको अच्छा से जवाब नहीं दे रहे तो ये सब जो होता है ना ब्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये सब है, है चीज लेडीज ही बहुत ज्यादा फेस करते हैं क्योंकि जितना स्ट्रेसफुल लाइफ एक लेडीज लीड करते हैं ना जेंट्स इतना नहीं करते है माना कि जेंट्स लोग बहुत काम करते हैं पर हम लोग जो लेडीज होता है ना घर की काम बच्चे का काम घर की खाना मीन्स कोई भी चीज में कमी नहीं होना चाहिए अगर कमी होगा तो बात सुनाने में लोग छोड़ेगा नहीं तुम जितना भी काम करो जितना भी पैसा कमा लो लोग तो so तो माँ दुर्गा की तरह हर एक चीज को प्रॉपर तरीका से टेक केयर करना अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी की नॉर्मली कौन सा खाने में देखिये ये सब जो ये सब जो कमिया हो रहा है डेफिशिय हो रहा है ये दोनों से आप इसको मिटा सकते हो एक है प्रॉपर डाइट, प्रॉपर खाना और दूसरा चीज है फूड सप्लीमेंट मैं फूड सप्लीमेंट में आ रही हूँ फूड सप्लीमेंट के साथ साथ प्रॉपर क्या डाइट होना है उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कशन करूंगी रेड मीट में बहुत ज्यादा आयरन है फिर उसके साथ साथ ये जो बीन्स होता है ना बीन्स बीन्स के अंदर आयरन है

Uh, की साथ साथ उसके बारे में दूसरा जो चीज है वो है आमला जूस ये पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने का क्या सिस्टम है पहले मैं बताऊंगी फिर पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बोलूंगी बेसिकली मोदी केयर में ऐसे दो प्रोडक्ट है जो फीमेल्स के लिए बहुत 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 अच्छा काम करते हैं हिसाब से देखा जाए ये जो मेनली yes, क्या होता है ना ये अच्छा ये लेने का नियम मैं बोल रही हूँ एक है आमला जूस और दूसरा है स्पिरिलुना पूरा दिन में आपको दो स्पीलिना जरूर से जरूर लेना चाहिए स्पीरिलुना लेने का टाइम में आप लोगों को बता रही हूँ

आमला जस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है मैं अब मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगी मैं ये आर्टिकल में देख रही थी कि आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एडिंग विटामिन सी फूड अलोंग विद आयरन रिच फूड कैन एनहेंस आयरन एब्जॉर्प्शन बोल रहा है कि कोई खाना में अगर आयरन है इसके साथ अगर आप विटामिन सी उसके साथ अगर मिला जाता है ना तो वो सी खाने का मीन्स पावर बढ़ जाता है और शरीर में इसका जो एब्जॉर्बन होता है ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आप लोग देखो ये जो हम लोगों के आमला जूस है आमला जूस के अंदर तो आयरन तो है ही उसके साथ साथ विटामिन सी है तो दैट इज द रीजन ये जो मोदी केयर की आमला जूस है इट इज वेरी मच अप्रोप्रिएट फॉर ऑल फीमेल्स मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ अमला जूस लेने का नियम है एवरी डे नींद से उठने के बाद एक ग्लास गर्म पानी ल्यूक वार्म वाटर जिसको हिंदी में बोला जाता है गुनगुने पानी में 20 एम एल जूस मिला मिला के पी लीजिए पीने के आधा घंटा तक कोई भी सॉलिड फूड मत लीजिए ठीक है और वही चीज को आप दो बार रिपीट कर सकते हो आ, लेट आफ्टरनून के टाइम में जिस टाइम दोपहर का खाना

उनका जो हर एक मंथ में ये जो प्रॉब्लम उसका ठीक है, नहीं रहे है। इसके साथ, साथ मैं लेडीज को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो खाना खाते हो क्या होता है ना खाना सही से शरीर में प्रॉपर तरीका से डाइजेस्ट नहीं होता है जब डाइजेस्ट नहीं होता है इनडाइजेशन के कारण फेस के अंदर इरप्शन आते हैं फेस के अंदर आ जाते हैं और बहुत सारी आपको क्या मिलेगा? पेट एकदम ठंडा रखेगा तो दैट मीन आप जो भी खाना खा रहे हो ना वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा अगर खाना डाइजेशन होगा तो नौबत ही नहीं आएगा कि आपका फेस पे पिंपल हो आपका फेस पे कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो क्लियर इसके साथ साथ आंवला जूस माहिर है कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को पूरी तरह से टेक केयर करने में पॉइंट नंबर वन और नॉट ओनली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ये पूरी तरह से एंटी एजिंग का भी काम करते हैं एंड इट इज वेरी गुड फॉर हेयर ये जो अपना हेयर है ना हेयर के लिए भी आंवला जूस बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके साथ साथ अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है होता है ना सांस लेने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आप उन्हीं इंसान को भी आग बंद करके आंवला जूस दे सकते हो अगर किसी का सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और वो इंसान रिलीजियसली आंवला जूस ले रहा है तो उसी से भी उनको राहत मिल जाएगा Clear friends? और इसके साथ साथ आयरन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये जो deficiency है वो पूरी तरह से टाटा वाई वाई कर जाएगा अगर आप लोग पूरा लेडीज के लिए बोल रही हूँ आपको पूरा दिन में दो बार जरूर से जरूर आमला जूस लेना है और इसके साथ साथ आपका ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है आमला जूस इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर देते हैं बहुत ज्यादा मजबूत बना देते हैं तो अभी सबसे क्लियर हो गया ये जो एक नंबर पॉइंट है ये आमला जूस इतना जो मैंने जूस के बारे में बोला ये एक आपको लेना है अगर आपका आयरन की डेफिशिएंसी हो रहा लेडीज को आयरन की डेफिशिएंसी होगा ही होगा तो दैट मीन आज के बाद मोदी केयर में जितने सारे फीमेल कंसल्टेंट है चाहे वो नए है चाहे पुराना है आज शाम को पांच से साढ़े पांच के बीच में प्रोडक्ट आने वाले हैं और मेरे पास जो खबर है उसी पर्टिकुलर जो जो स्टॉक अभी, अभी हम, अभी हम लोग जो अपलोड करेंगे सिस्टम में उसमें आमला जूस रहेगा तो नाइनटी परसेंट आर देर अगर नहीं है दो तीन दिन के अंदर जूस आ जाएगा यस माय डियर फ्रेंड्स जब मैं इतना जोर दे के बातें कर रही हूं तो जूस अभी आने वाले हैं क्लियर बहुत दो तीन दिन से ये आउट ऑफ स्टॉक है आई नो आई नो बहुत लोगों का मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम इट इज आउट ऑफ स्टॉक बट यू आर गोइंग टू गेट इट वेरी सुड पॉइंट नंबर वन उसके साथ साथ आयरन की जो कमियां है उसको कवर अप करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा स्पिरुलिना स्पिरुलिना मोदी केयर का एक ऐसा प्रोडक्ट है ब्लू ग्रीन का algae से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तैयार तैयार किया गया है दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एक एक कैप्सूल में सिक्सटी टू सेवेंटी वन परसेंट प्रोटीन की कॉन्टेंट है अगर कोई डायबिटीज की पेशेंट है उसके लिए स्पीरोली अच्छा है

लेडी के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट अगर आपका यूरिक एसिड हाई नहीं है अगर आपका किडनी में प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका थायराइड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आग बंद करके स्पीरुलिना पूरा दिन में दो कैप्सूल आग बंद करके ले सकते हो फेस में ग्लैमर आ जाएगा प्रोटीन की कंटेंट इसके अंदर है बाल झड़ना बंद हो जाएगा स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा एंटी एजिंग का काम होगा शरीर में जो खून की कमियां है वो भी दूर हो जाएगा और सबसे पहले सबसे ज्यादा ये करंट सिचुएशन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करना तो ये उसका भी पूरी तरह से टेक केयर करेगा सो so, दोस्तों पहला पॉइंट था लेडीज के लिए जो होता है वो है आयरन डेफिशिएंसी उसके लिए वही तो मैंने बोला थायराइड थायराइड पेशेंट को आप मत दो

डायबिटीज uh, का पेशेंट है आप बंद करके उनको स्पिरुलिना दे सकते हो आप बंद करके उनको आंवला जूस दे सकते हो क्लियर अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट में जा रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन डी विटामिन डी ज्यादा से ज्यादा लेडीज लोगों का ना विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है

सिर्फ सही नहीं मजबूत बनाने के लिए हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन डी की उसके साथ साथ है हेल्दी बोन्स देखिए हम लोगों का ये जो बोन्स है ना बोन्स को भी हेल्दी रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन हेल्थ इंक्लूडिंग फर्टिलिटी हार्मोन हेल्थ आप सोचो हमारे शरीर में जो हॉर्मोन्स है हॉर्मोनल बैलेंस को अगर सही रखना है सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इट इज रिलेटेड टू फर्टिलिटी तो ये सब चीज में भी विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है तो विटामिन डी मेनली क्या होता है विटामिन डी अपना हेल्दी हेयर हेल्दी बोन्स एंड हार्मोन हेल्थ ध्यान से सुनिए इंक्लूडिंग फर्टिलिटी ठीक है अगर कोई भी कारण दोस्तों विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है ना तो उसके लिए क्या होता है हम लोगों का ये जो मसल है

विटामिन डी है मेनली क्या होता है ना दोस्तों अगर हम लोगों का आ, बोन मजबूत ना हो अगर बोन अगर मजबूत ना हो अगर बोन ज्यादा से ज्यादा वीक हो जाए और बोन धीरे धीरे अगर हम लोग बोन लॉस कर रहे हैं ना इसके कारण क्या होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी गिर गया छोटा मोटा भी कारण भी आप लोग गिर गया ना सो ज्यादा से ज्यादा चांसेस आ जाएगा क्या होने का फ्रैक्चर होने का हेयरलाइन होने का क्रैक होने का डिसलोकेशन नहीं डिस्लोकेशन तो बहुत बड़ी बात होता है पर नॉर्मली क्या होता है हम लोग मामूली सी गिर गया उसके कारण क्रैक आ गया उसके कारण फ्रैक्चर हो गया ये इसीलिए होता है कि हम लोगों का ये जो हड्डियां होता है ना अगर हड्डियां में विटामिन डी की कमी है ना तो हड्डियां बहुत ज्यादा क्या होगा सॉफ्ट हो जाएगा और धीरे-धीरे बोन लॉस होने के हो होना शुरू हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा अगर कोई भी लेडीज थोड़ा बहुत भी गिर गया वो लोग सोच भी नहीं पाएंगे देखेगा कि दर्द नहीं कम हो रहा है दर्द नहीं कम हो रहा है मूव डाल रहे है ये डाल रहे वो डाल रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे अंदर में क्रैक हो गया ये सब चीज इसीलिए होते हैं अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो मेरे ख्याल से हर एक इंसान को अभी पता तो चल गया और विटामिन डी एक इंसान को कहाँ से मिलता है पहले मैं खाने के बात करूँ खाने में अगर मैं विटामिन डी की बातें करूँ खाने में सैलमोन से मिलता है नॉर्मल जो नेचुरल सनलाइट है नेचुरल सनलाइट से आप लोगों को विटामिन डी मिलेगा मैं तो लेडीज को बोलूंगी ज्यादा से ज्यादा सुबह के टाइम में टेरिस में विटामिन डी आपके शरीर में जाना बहुत जरूरी है और नॉर्मली आज के डेट में हम लोग धूप में इतना बाहर जाते हैं बाजार जाते हैं तो नॉर्मली धूप तो शरीर में लग ही जाते हैं राइट सो so, विटामिन डी थोड़ा शरीर में आना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके साथ साथ मोदी केयर की जो प्रोडक्ट है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल अगर आप लोग आग बंद करके ये प्रोडक्ट ले रहे हो तो, तो दैट मीन बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में विटामिन के माध्यम से विटामिन डी ऑलरेडी प्रेजेंट है और आपको सबको पता है कि मोदी केयर की ये जो मल्टीविटामिन है इसमें बारह विटामिन आठ मिनरल छह फाइटोन्यूट्रिय तो और दो एमाइनो एसिड है और ऐसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रोडक्ट मिलना बाजार में बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं मिलेगा दोस्तों सो so, हम लोगों का ये जो विटामिन प्रोडक्ट है ये जो मल्टी विटामिन है दिस इज दी बेस्ट प्रोडक्ट क्लियर इसके साथ साथ अभी जो थर्ड पॉइंट में मैं जाना चाहती हूँ थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी नॉर्मली दोस्तों क्या होता है हर एक इंसान को पता है कि बोन्स इज आवर कैल्शियम बैंक राइट एंड आवर बॉडी कैनॉट प्रोड्यूस कैल्शियम हमारा ये जो बॉडी है ना वो कैल्शियम को तैयार नहीं कर सकते तो उसके लिए कैल्शियम होना शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है तो अभी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि जितने सारे फीमेल्स है फिमेल्स के शरीर में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम की कमियां बहुत ज्यादा होता है राइट right? अगर मैं बच्चे लोगों की बातें करूं सो so एक साल से अगर मैं नौ साल की बच्चों की बातें करूं तो उनके शरीर में 600 mg कैल्शियम जाना बहुत जरूरी है अगर मैं टेन दस साल से सत्रह साल की बच्चे के बारे में बातें करूं जो हाला वो बच्चे नहीं है वो एडोलेसेंट पीरियड में आ जाते हैं तो उनके शरीर में एट हंड्रेड कैल्शियम जाना बहुत जरूरी है अगर मैं पुरुष के बारे में बात करूं मेन के बारे में बात करूं जितने सारे मेन आज प्रोग्राम में है आप लोग जान लीजिए आपके शरीर में एवरी डे जो कैल्शियम जाना चाहिए वो है 600 हंड्रेड और जो वुमेन है वुमेन के शरीर में एवरी डे कैल्शियम जाना चाहिए कितना 1200 हंड्रेड एम जी यस माइडियर फ्रेंड्स बारह सो का जो हड्डिया होता है ना दोस्तों बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और कैल्शियम की जरूरत शरीर में इसलिए होता है अपना जो दांत है इसको बनाने के लिए और अपना ये जो हड्डिया है ये हड्डिया को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्लियर मोदी केयर के पास दोस्तों जो कैल्शियम है उसके बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ मोदी केयर की जो कैल्शियम है इसके अंदर विटामिन के है इसके अंदर कैल्शियम साइट्रेट मैलेट है इसके अंदर डी टू है इसके अंदर मैग्नीशियम है तो जितने सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मोदी केयर केयर की की जो कैल्शियम है उस मोदी कैल्शियम में प्रेजेंट है हमारे कैल्शियम का पता है दोस्तों प्लस पॉइंट क्या है ज्यादा से ज्यादा जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे ना डॉक्टर बोलेगा देखिए ज्यादा कैल्शियम मत लीजिए दो तीन महीना लीजिए फिर उसके बाद बंद कर दीजिए नहीं तो किडनी पे स्टोन आ जाएगा कैल्शियम का, का प्लस पॉइंट है मोदी के कारण क्या हो रहा है ना दोस्तों मिल जा रहे है। आप लोग बहुत सारे डेमो में भी, भी दिखाया जब हम लोग कैल्शियम का कोई टैबलेट पानी में इसको मिला रहे आप लोग एक चीज तो जरूर नोटिस किए हैं कि पानी में मिलाने के साथ साथ ये पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है उसके साथ साथ दोस्तों विटामिन डी टू है ये पूरी तरह से कैल्शियम को सपोर्ट करते हैं हम लोगों के शरीर में एब्जॉर्व करने में क्लियर इसके साथ साथ है मैग्नीशियम मैग्नीशियम सपोर्ट करते हैं कि प्रॉपर बोन की एक स्ट्रक्चर हो जाए और हम लोगों के शरीर के अंदर बहुत तरह की बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं उसके कारण मैग्नीशियम की होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके साथ साथ दोस्तों है विटामिन के विटामिन के बेसिकली इट हेल्प्स इन फ्लो ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम कैल्शियम जा रहा है ये पूरी तरह से फैल जाए ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरह से फैल जाए उसके लिए विटामिन के बहुत ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है सो मोदी केयर के पास जो कैल्शियम है ये एकदम लाजवाब प्रोडक्ट है और मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगी कि मोदी केयर की कैल्शियम 365 डेज आप लोग इंटेक कर सकते हो लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लेडीज लोग नॉर्मली क्या होता है ना 30 साल के बाद इनका जो हड्डियां होता है ये हड्डियां धीरे-धीरे धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाता है आप लोग नोटिस करोगे मेरे साथ भी होता है कभी-कभी ना हम लोग हाई हील्स पहनते हैं जब हाई हील्स पहनते हैं ना तो उसका असर सीधा घुटक में आ जाता है नीज में आता है तो आप लोग नोटिस करोगे उसके कारण भी बहुत ज्यादा नीट पे दर्द होता है फिर अपने ये जो होता है में बहुत ज्यादा दर्द होता है मैं तो बहुत ज्यादा फील करती हूँ जब से फॉर एग्जांपल घर पे लॉकडाउन के चलते मेड्स नहीं आया राइट और मैं सोच रही हूँ कि अपने एक्सरसाइज भी थोड़ा हो जाए तो मैं एकदम बैठ के घर पे पोछा मार रही हूँ वोटवड़ने के टाइम मैं रियलाइज कर रही हूं कि मेरे घुटंग में कितनी ज्यादा दर्द हो रहा है तो दैट मींस शरीर में कैल्शियम की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो रहा है और दोस्तों मैं सबको एक ही चीज बोलूंगी जितने सारे लेडीज मोदी के अन्य है हर कोई लेडी जब 30 साल की उम्र टच कर रहे हैं ना 30 इयर्स 30 आप बंद करके पूरा दिन में जरूर से जरूर से दो कैल्शियम इंटेक करना एक लंच के बाद करना और एक डिनर के बाद करना और मैं एक बात बोलू मेरी बेटा उनकी उम्र अभी टेन क्लास है उनका अभी ग्यारह साल नहीं हुआ एवरी डे मेरा बेटा जब ऑनलाइन क्लास शुरू होता है ना मैं अपने बेटा को एक मल्टीविटाम देती हूँ और उनके साथ साथ मैं अपने बेटा को कैल्शियम देती हूं। मैंने इसीलिए देना शुरू किया क्योंकि एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरा बेटा चिकन चिकन पता नहीं क्या मैं उसको दे दिया था खाने के लिए वो मुझे बोल रहा था कि मम्मा ये पर्टिकुलर ना ये ये जो मेरा दांत है इस पर्टिकुलर टीथ में मेरा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैंने तो चौंक गई क्योंकि बेटा देखिए अभी इसका ग्यारह साल भी नहीं हुआ अभी इसका बहुत सारे दांत है जो दांत अभी निकलना भी बाकी है तो इस उम्र में इस, इसको क्यों दर्द होगा अभी बच्चे लोगों का दांत में अगर दर्द हो रहा है इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं वो लोग कभी कभी जो ब्रश होते हैं ब्रश सही में नहीं करते हैं अपना जो माउथ को जो फ्रेश करना चाहिए वॉश करना चाहिए कभी कभी प्रॉपर तरीका से वॉश भी नहीं करते हैं तो हो सकते कि उसके कारण भी उसके दांत में दर्द है तो दैट इज द रीजन मैंने उनको कैल्शियम देना शुरू किया अभी छोटा बच्चा है तो मैं दो टैबलेट नहीं देती हूँ एवरी डे क्लास शुरू होने से पहले ब्रेकफास्ट के बाद मैं उसको एक कैल्शियम देती हूँ बिलीव मी ही गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट और मैं आज के डेट पे उनको पूछती हूँ कि तुम्हारा ये ज्यादा दिन नहीं कितना दिन हुआ देना शुरू किया

आप दो कैल्शियम जरूर से जरूर लेना राइट एक तो लंच के बाद लेना और दूसरा कैल्शियम डिनर के बाद लेना बहुत सारे न्यू हो रहे हैं राहुल शंकर जी का वीडियो भी देखा है लाख न्यू मोदी का बिजनेस में आया तो मैं हर एक इंसान के लिए बोलना चाहती हूं। अगर किसी का तीस साल का उम्र हो गया थर्टी ईयर्स में अपना पैर रखा आग बंद करके उनको कैल्शियम देना शुरू कीजिए तो महिला का जो डेफिशिएंसी के बारे में मैंने बात किया पहले था आयरन डेफिशिएंसी, सेकंड था विटामिन डी एंड थर्ड इज कैल्शियम

वेरी right? एसेंशियल तो दो टाइप है एक है सप्लीमेंट से मिलेगा नहीं तो डाइट से मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग नोटिस करोगे जो वेजिटेरियन है जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है उनके शरीर में विटामिन बी ट्वेल्व की बहुत ज्यादा कमियां होता है बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होता है पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो विटामिन बी ट्वेल्व है ये बेसिकली क्या कम करते हैं ये बेसिकली पूरी तरह से न्यूरो रिलेटेड फंक्शन में बहुत ज्यादा मदद करता है, दैट मींस नर्व रिलेटेड फंक्शन ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं कीपिंग आवर नर्व्स हेल्दी अपना नर्व को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है स्पेशली मैं तो लेडीज के लिए बोलूंगी क्योंकि एक साथ में अगर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा ना बहुत ज्यादा टेंशन जाता है जाते। लगता है कि अभी मेरा नर्व नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा ओह माय गॉड मैं इतनी ज्यादा प्रेशर एक साथ में कैसे करूं कैसे करूं कर तो लेते हैं हम पर इमीजिएटली जब सुन सुनने में आता है और जब सोचना सोचना शुरू करते हैं कि कैसे क्या मैनेज करूं इतनी जल्दी कैसे मैनेज करूं तो बहुत टाइप में क्या होता है ना नर्व का प्रॉब्लम हो सकता तो है तो दैट इज द रीजन दोस्तों ये जो विटामिन बी ट्वेल्व है ये हिसाब से अगर देखा जाए ये न्यूरो फंक्शन में बहुत ज्यादा काम पे आता है दैट नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और भी एक चीज बोलना चाहती हूँ ये अपना नर्व्स को हेल्दी रखेगा और उसके साथ साथ आपका ये जो जो ब्रेन का फंक्शन है इट विल सपोर्ट यू टू हैव अ नॉर्मल ब्रेन फंक्शन ब्रेन की ये जो फंक्शन है ना ये नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन बी ट्वेल्व की कमी है आप देखोगे जबकि विटामिन बी ट्वेल्व की, की कमियां होगा ना तो नर्वस नर्व रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शन जरूर से जरूर होगा और इसके साथ साथ विटामिन बी ट्वेल्व बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है आरबीसी फॉर्म करने में हमारे शरीर में आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड कॉर्पस आपको लोगों को तो ये टर्म शायद सुनने में आया आरबीसी डब्ल्यू बी ये हर एक इंसान को पता है so, सो शरीर में ये जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है ना तो इसके लिए विटामिन बी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है इसके साथ साथ अपना हेल्दी नर्व्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं एंड उसके साथ साथ नॉर्मल ब्रेन फंक्शन करने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि Uh, बहुत सारे टाइम आप लोग देखोगे कि विटामिन डी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी हो रहा है जब विटामिन डी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी होगा ना आप लोग एक चीज नोटिस करोगे आपका ये जो आई है आईज और आपका ये जो स्किन है स्किन के अंदर ना एक लेमन येलो टिंट आ जाएगा एक ये जो स्किन टोन होगा थोड़ा सा योलिश स्किन टोन होगा अपना ये जो आंख होगा ना वो भी थोड़ा योलिश हो जाएगा आपको लगेगा जॉन्डिस हुआ नहीं जॉन्डिस नहीं हुआ ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व की बहुत ज्यादा कमी हो रहा है तो विटामिन बी ट्वेल्व आपके शरीर में आ सकता है एक से एक का मतलब ही ये जो एक के अंदर ये जो ऑरेंज कलर का जो पोर्शन होता है उसी से आपके शरीर में विटामिन बी ट्वेल्व आ सकता है मल्टी विटामिन मल्टीमिन अगर आप लोग उसको रिलीजियसली ले रहे हो ना तो उसके अंदर भी विटामिन बी है और इसके साथ साथ मोदी केयर भी मोदी केयर का और भी एक शानदार प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जूस अगर आप लोग एलोवेरा जूस को सही तरीका से इंटेक कर रहे आप लोग नोटिस करोगे आपके शरीर में कोई भी कारण विटामिन की कमी नहीं होगा तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमियों को दूर करने के लिए दो चीज माहिर है नंबर वन इज मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल एंड सेकेंड वन इज एलोवेरा जूस एलोवेरा जूस लेने की सेम सिस्टम है आपको डेली सुबह नींद से उठना है नींद से उठने के बाद एक ग्लास गर्म पानी में ल्यूक वार्म वाटर में 20 एम एल एलोवेरा जूस मिला के पी लीजिए और पीने के आधा घंटा तक कोई भी सॉलिड फूड मत लीजिए राइट ये आपका इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन भी करेगा और इसके साथ साथ आपके शरीर में विटामिन बी की कोई भी कमियां होने भी नहीं देंगे क्लियर इसके साथ साथ मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में जा रही हूँ जो ज्यादा से ज्यादा लेडीज के अंदर डिफिशियंसी होता है वो है प्रोटीन अभी लेडीज लोग मुझे पूछेगा कि प्रोटीन की डिफिशियंसी क्या सिर्फ हम लोगों को हो रहा है जेंट्स को नहीं हो रहा है हाँ जेंट्स को हो रहा है पर जेंट्स को होने से जितना फर्क पड़ता है लेडीज को होने से उतना ज्यादा उससे उत भी ज्यादा फर्क पड़ता है तो ये जो प्रोटीन है ना दोस्तों सबको पता है प्रोटीन की ट्रेनिंग आप लोग बहुत बार ले चुके हैं कि प्रोटीन हम लोगों के शरीर के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत जरूरी है बार बार हम लोग सिर्फ हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि प्रोटीन बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी राइट और इसके साथ साथ अगर कोई भी कारण शरीर में प्रोटीन की कमियां हो रहा है नखून टूट रहा है हेयर फॉल होता है एबनॉर्मल लेडीज के लिए मैं बोलना चाहती हूँ आपका जो बाल झरेगा ना वो एबनॉर्मल फॉल होगा कभी मत सोचना सोच बाल इसीलिए झड़ रहा है क्योंकि डैंड्रफ हो गया मेरे बालों में क्योंकि नल से आयरन वाटर निकल रहा है वो तो है वो तो कारण है पर ये छोड़कर क्या इतना एबनॉर्मल फॉल इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रहा है और इसके साथ-साथ मैं लेडीज लोगों के लिए और भी एक चीज बोलना चाहती हूँ आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि आप लोगों के आप लोगों के अंदर ना ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन आ जाता है जब प्रोटीन की कमी होता है ना लेडीज के लिए मैं बोलूंगी चिड़चिड़ापन आता है कोई भी काम करने के लिए एक्साइटेड नहीं आता है इच्छा नहीं जगता है मन नहीं करता है काम करने के लिए काम करते हैं जितनी एनर्जी की जरूरत है उतना एनर्जी होता नहीं है और उसके साथ साथ क्या होता है बहुत ज्यादा मन करता है सोने के लिए यस yes. बहुत ज्यादा सोने के लिए मन करता है और ऊपर से हम लोग बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील करते हैं इसके साथ साथ मैं और भी एक चीज आप लोगों को बोलूंगी अभी हर एक इंसान के घर पे एक चीज मौजूद है वो है ऑक्सीमीटर राइट ऑक्सीमीटर हम लोग इसीलिए लाए हैं क्योंकि ये कोरोना के चक्कर में हर एक इंसान के घर पे ऑक्सीमीटर है ऑक्सीमीटर से हम लोग दोनों चीज देखते हैं ऑक्सीमीटर का जो ऊपर वाला पोर्शन है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या हो रहा है वो दिखाई दे रहे नॉर्मली ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 के ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऑक्सीमीटर का जो नीचे वाला पोर्शन है वो बेसिकली हम लोगों का जो पल्स रेट है पल्स रेट क्या आ रहा है वो हम लोग उसके माध्यम से देख सकते हैं नॉर्मली सेवेंटी टू नाइनटी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कोई भी कारण अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमीया हो रहा है ना तो आपका ये जो हार्ट रेट है ये हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है बहुत ज्यादा कम ये मैं भी आ, अभी ये सब चीज देख देख के बार-बार डेली-डेली -बार, मैं भी ऑक्सीमीटर में अपना हाथ डाल के देखती हूँ कि मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट सही है कि नहीं और पल्स रेट सही है कि नहीं मैं कभी कभी देखती हूँ कि मेरी पल्स रेट ज्यादा हो गया कभी कभी देखती हूँ कम हो गया ये फ्लक्चुएट करते हैं स्टॉक मार्केट की तरह फ्लक्चुएट करते हैं तो मैं सबको बोलूंगी जिनके घर पे ऑक्सीमीटर नहीं है आप लोग जरूर से जरूर एक ऑक्सीमीटर ले लो इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोटीन की जो एक कॉम्पोनेंट है जो है हार्ट रेट अगर शरीर में प्रोटीन की कमियां होगा तो हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो ऑक्सीमीटर के माध्यम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और इसके साथ-साथ नॉर्मल साथ अगर कोई भी कारण अगर शरीर में प्रोटीन की कमीया हो रहा है आप लोग खुद ही नोटिस करोगे बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो रहा है तो मैं एक चीज जरूर से जरूर बोलना चाहूंगी कि जितने सारे एडल्ट है एडल्ट के लिए मैं बोलूंगी आप लोगों का शरीर का जो वजन है जो वेट है उसे हिसाब से शरीर में उतना ग्राम प्रोटीन होना बहुत जरूरी है जैसे कि मेरी करंट वेट है 65 केजी तो मेरे शरीर में पूरा दिन में 65 ग्राम प्रोटीन होना बहुत जरूरी है राइट और बच्चे के लिए वही चीज 1.2 ग्राम पार बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और बड़े लोगों के लिए एडल्ट के लिए वन

मोदी केयर के ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर सबको पता है कि जिस दिन वो लॉन्च किया था उसी दिन में उसका जो मार्केट है उसका मार्केट बहुत अच्छा है एकदम सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट है क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है इसके अंदर हम लोग तीन टाइप की प्रोटीन को मिलाया सोया प्रोटीन बी प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नाइन टाइप की जो एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर होना चाहिए वो नाइन टाइप के एसेंशियल अमाइनो एसिड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है जो कारण सिचुएशन क्या हर एक सिचुएशन में शरीर के अंदर होना बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा जरूरी है और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से फैट फ्री एंड क्लोरेस्ट्रॉल फ्री है दैट मीन्स कोई भी हार्ट रिलेटेड पेशेंट को आग बंद करके ये प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं किसी को अगर दूध दूध से एलर्जी है दैट लैक्टोज की स्मेल नहीं 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 ले पा रहे हैं हैं खीर खाते है, चीज नहीं लेते बटर नहीं लेते हैं उनको भी आग बंद करके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं और उसके साथ साथ प्लस पॉइंट है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई टेस्ट नहीं है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एकदम न्यूट्रल है राइट right? और इसके साथ कोई एडेड कलर नहीं कोई फ्लेवर नहीं मैं तो लेडीज को बोलूंगी आप लोग खुद भी लीजिए हस्बैंड को खिलाइए सास ससुर को खिलाइए फैमिली में जितने सारे लोग हैं उसको खिलाइए सिर्फ खिलाने से पहले एक चीज नोटिस करना अगर उनके यूरिक एसिड है मत दीजिए अगर थाइड का प्रॉब्लम है मत दीजिए अगर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है मत दीजिए ये तीन चार चीज छोड़ के आप ये पर्टिकुलर ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर घर पे किससे को भी खिला सकते हो जब रात को आप रोटी बनाओगे ना रोटी बनाने के टाइम में उसके साथ मिला दो खीर के साथ मिलाओ कस्टर्ड के साथ पानी के साथ मिलाओ किसी चीज के साथ आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप मिला सकते हो क्लियर और सबसे प्लस पॉइंट क्या है पता है ये जो ऑल प्लेन प्रोटीन पाउडर है ना इसका कोई टेस्ट नहीं है इसका अलग से कोई भी टेस्ट नहीं है न्यूट्रल टेस्ट है और खाने में बरकरार रहेगा दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऐसा नहीं है कि मैंने इसको खाने के साथ मिला दिया और इसका जो गुण है ये खत्म हो गया नो डियर फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप किसी को भी दे सकते हो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप किसी को भी दे सकते हो जो जिस जिस मैंने बोला उनको छोड़कर दे सकते हो पूरा दिन में तीन बार ले सकते हो इसका जो सर्विंग स्पून है जो चम्मच होता है इसका साइज है टेन ग्राम्स और ये टेन ग्राम स्पून के अगेंस्ट में आपके शरीर में प्रोटीन आ रहा है 8.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो पूरा दिन में अगर मैं तीन चम्मच ले रही हूँ, तो उसके अगेंस्ट में मेरे शरीर में 8.4 इनटू 3, डेट मेंस 8 फ्रूज़ ऑफ़ 24, 25.2 ग्राम प्रोटीन पूरा दिन में मेरे शरीर में जा रहे। क्लियर? इतना तक सबको क्लियर हो गया सो माय डियर फ्रेंड्स हार्ट पेशेंट डायबिटीज पेशेंट किसी को भी आग बंद करके ये प्रोडक्ट दे सकते हो घर पे अगर कोई सोच रहा है कि मुझे मैं ले रही हूँ, मुझे ले नहीं लेना चाहिए अगर ऐसा किसी का मन, मन पे भावना है आप खाने में मिला दो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने प्रोटीन पाउडर मिला के दे दिया सो इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फ्रेंड्स जो नॉर्मली लेडीज का डेफिशिएंसी हो रहा है स्पेशली बीइंग अ लेडी मैं बोलना चाहती हूं हर कोई चाहते हैं कि स्किन एकदम चमकेगा हर कोई चाहता चाहेगा कि अपना जो बाल हो बहुत ज्यादा स्मूथ एंड सिल्की बाल हो और हर कोई चाहेगा कि आपने अपने मिसाल को लेडीज सुंदर दिखना चाहते हैं अगर प्रोटीन की कमी होगा ना आपके शरीर में एजिंग का फैक्टर आ जाएगा बुढ़ापा आ आ जाएगा पे। बाल करेगा। रिंकल आ जाएगा जाए। निशानी ना तो दैट इज द रीजन जरूर से जरूर ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आज के बाद जरूर से जरूर लेना बिलीव मी फ्रेंड्स यू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट अभी और दो चीज बाकी है next, जो प्रोडक्ट है इसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ वो है मैग्नीशियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी यस माय डियर फ्रेंड्स ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर लेडीज के शरीर में मैग्नीशियम की कमीया हो रहा है तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स होता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर लेडीज के शरीर में मैग्नीशियम की कमीया हो रहा है एक सेकंड

और ये प्रोसेस मैग्नीशियम के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी प्रोसेस इन बॉडी तो क्या क्या है आप लोग एकदम ध्यान से मेरी बात सुनो कि एक शरीर में मैग्नीशियम की जरूरत क्यों है हम लोगों का ये जो मसल्स है ना ये मसल को रेगुलेट करने में ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं इसके साथ साथ नर्व नर्व फंक्शन दैट मीनस ये जो नर्वस सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम

प्रोटीन शरीर में जो फंक्शन कर रहे हैं उसका जो ग्रोथ हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है ब्लड प्रेशर जो प्रॉपर हो रहा है और ब्लड शुगर लेवल जो सही रख रहा है ये हर एक चीज के लिए ना शरीर के अंदर मैग्नीशियम होना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को मैं एक चीज बोल रही हूँ कोई भी कारण अगर मैग्नीशियम का डेफिशियंसी आपके शरीर में हो रहा है कैसे पता चलेगा एबनॉर्मल हर्ट रिदम आप देखोगे हाँ, हाँ, हार्ट हार्ट का जो रिदम हो रहा है ना जो हार्ट बीट हो रहा है ना एबनॉर्मल हो रहा है अगर बहुत ज्यादा कम होगा नहीं तो उसका आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब सोच लेना कि शरीर में जरूर से जरूर मैग्नीशियम की कमी है उसके साथ साथ है मसल क्रैम्प आप लोग देखोगे कि एक जगह में अपना पैर रख के बहुत देर तक आप बैठे हो नहीं तो अपना हाथ को आ, सर के ऊपर रख के आप टीवी देख रहे हो हाथ के ऊपर प्रेशर डाल के आप लोग थोड़े देर में देखोगे आ आ गया गया जी 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 करके है है ये जो मसल क्रैंप होता ना ये इसीलिए होता है क्योंकि शरीर में मैग्नीशियम की कमी है उसके साथ साथ बहुत ज्यादा टायर्ड फील करोगे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है और उसके साथ साथ देखोगे पर्सनालिटी चेंजेस पर्सनालिटी चेंजेस मीन चिड़चिड़ापन आ जा रहे ठीक है तो ये सब चीज के पीछे एक ही कारण है वो है मैग्नीशियम लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लेडीज लोगों के सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है है उसके कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं लेडीज लोग अपना लूज कर देता है। मन से नहीं करते हैं दिल से नहीं करते पर हालत के कारण हो जाते हैं पर्सनालिटी के चेंजेस आप लोग देखो कि ये जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है ये ज्यादा से ज्यादा लेडीज के ऊपर आते हैं ये जो टायर्डनेस इतना थकान और इतना काम करने के बाद लेडीज के ऊपर ये आ जाते दौड़े हो उसके कारण हार्ट बीट फटो फट फटफर हो रहा है और कभी कभी आप लोग ऐसे नोटिस करोगे कि आपका हार्ट रेट हार्ट का जो रिदम है और जरूरत से ज्यादा ही कुछ ये हो रहा है धक धक हो रहा है तो ये है एबनॉर्मल हार्ट रिदम ये सब

एलोवेरा जो जूस है इसके अंदर भी मैग्नीशियम है ये जो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल है इसके अंदर भी मैग्नीशियम है क्लियर तो अभी आप लोगों के सामने ये बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी होगा तो शरीर में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है लास्ट जो चीज के बारे में मैं डिस्कशन करूंगी वो है आयोडीन डेफिशिएंसी ये जो आयोडीन डेफिशिएंसी है ना दोस्तों ये आयोडीन डेफिशिएंसी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर में लेडीज लोगों का आयोडीन की डेफिशिएंसी। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूं कि आयोडीन की जो डेफिशियली जिनका इम्पेयर चाइल्डहुड ग्रोथ होता है ना उनके शरीर में ज्यादा से ज्यादा आयोडीन की डेफिशिएंसी होता है इम्पेयर चाइल्डहुड की एक सेकंड

एक बच्चा उम्र के साथ साथ अगर उसका ग्रोथ सही नहीं हो रहा है और उसका बॉडी का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए अगर सही मात्रा में उनका बॉडी के डेवलपमेंट नहीं होता है ना आंख बंद करके सोच लेना कि उसी बच्चे के शरीर में आयोडीन की कमियां है और आयोडीन की, की एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं दूंगी आप लोगों को आयोडीन की डेफिशिएंसी आप लोग कैसे समझोगे आपका जो थाइरोयड ग्लैंड है ना थारॉयड ग्लैंड बहुत ज्यादा एलर्ज होता है और जिसको बोला जाता है गोइटर गोइटर एक ऐसा डिजीज है ना इससे क्या होता है आपका जो ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ये इसलिए होता है जब इंसान के शरीर में आयोडीन की बहुत ज्यादा कमियां रहता है क्लियर तो ये चीज भी हम लोग बहुत टाइम में देखे हैं कि लेडीज के अंदर हो रहा है जो वेज वेजिटेरियंस है उनके अंदर भी होता है नॉर्मली आयोडीन आप लोगों को, को मिलेगा स्ट्रॉबेरी से एक से फिश से डेयरी प्रोडक्ट से बेक पोटैटो से ये सब चीज से आप लोगों को आयोडीन मिल जाएगा और अगर मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट की, की बातें करू मोदी केयर के पास एक शानदार प्रोडक्ट है फिर से मैं वही प्रोडक्ट के नाम ले रही हूँ वो है मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में भी बहुत ज्यादा आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी है उसको पूरी तरह से कवर करता है सो so, दोस्तों मैंने सात डेफिशिएंसीज को लेके आप लोगों के सामने आज पेश किया आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशियंसी प्रोटीन डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी एंड आयोडीन डेफिशिएंसी और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा टाइम ये जितने सारी डेफिशिएंसीज़ को लेके मैंने बात किया आप लोगों के सामने ये यूजलीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रकट होता है बहुत ज्यादा दिखाई देता है तो इसके लिए क्या क्या लेना चाहिए आमला जूस एलोवेरा एलोवेरा जूस मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल कैल्शियम ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एंड स्पिरुलिना ये जो मैंने छह प्रोडक्ट का नाम लिया और कैसे कौन से टाइम में क्या प्रोडक्ट लेना है अगर हर कोई फीमेल्स मोदी कैरियर्स इसको सही मात्रा में फॉलो करोगे आई एम श्योर लेडीज के अंदर ये सब चीज की नौबत ही नहीं आएगा तो और मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है मैम अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं आपको बोलूंगी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज मेरे साथ एक बार शेयर कीजिए